हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज न्यूमरो दशाएं लेके आए हैं। अब चार पाइनेकल नंबर निकालेंगे जो हमारी ज़िंदगी में न्यूमरो दशाएं चलाती हैं। वो कैसे कैलकुलेट होते हैं नंबर, वो किस तरह से ये न्यूमरो दशाएँ चलेंगी, आज आपके सामने उसकी वर्किंग रखने जा रहा हूँ। तो पाइनेकल नंबर वन कैसे आएगा, आप ये डेट ऑफ बर्थ लिखिए किसी भी व्यक्ति की, तो इसमें पाइनेकल नंबर चार निकलेंगे अलग अलग। तो कैसे निकलेंगे उसकी कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ। पाइनेकल नंबर वन है जो, वो डेट प्लस मंथ, यानी यहाँ पे एक और आठ दोनों को सिंगल डिजिट कर लेना। जो भी डेट होगी उसको सिंगल डिजिट कर लेना है, और जो भी मंथ होगा, जैसे 12 अगर मंथ दिसंबर होता तो 12 होता तो 3 आ जाता इधर, डेट 12 होती तो 3 आ जाता इधर, 3+3 हो जाता। तो ऐसे 1+8 9 निकलेगा। ये हमारा पहला पाइनेकल नंबर है। जो हमारी पहली न्यूमरो दशा चलेगी वो 9 नंबर पर निकल की चलेगी। कितने साल चलेगी, कब से चलेगी, वो अभी कैलकुलेशन पूरी समझाऊंगा। पाइनेकल नंबर टू, इसमें डेट एंड ईयर को ऐड करते हैं। डेट वन थी, ईयर को भी सिंगल डिजिट कर लो, 1+1=2। 1963 का भी हमने 1 ले लिया, टोटल किया था, तो 1+1 पाइनेकल नंबर टू भी 2 नंबर की दशा आ गई। तो पाइनेकल नंबर में दूसरी जो दशा चलेगी वो 2 नंबर की चलेगी। अब पाइनेकल नंबर तीन को कैलकुलेट करते हैं। पाइनेकल नंबर तीन है पाइनेकल नंबर 1+पाइनेकल नंबर 2। पहला नंबर हमारा आया था 9+2, टोटल 11 हो गया, यानी दूसरी जो दशा चलेगी, तीसरी जो दशा चलेगी पाइनेकल की, वो 2 नंबर की चलेगी। अब पाइनेकल नंबर फोर को कैलकुलेट करते हैं। पाइनेकल नंबर फोर होता है आपका मंथ प्लस ईयर, तो मंथ आपका 8वां है, ईयर का टोटल 1 है, तो टोटल 9 नंबर की। जो चौथी हमारी दशा चलेगी वो 9 नंबर की चलेगी। अब ये दशा चलेगी कैसे वो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉर्मूला इसका है कि जो पहली दशा चलती है वो 36 माइनस आपका कंडक्टर नंबर होता है। अब कंडक्टर नंबर होता है आपका, जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, 1+8+1, यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है उसको इसमें से 36 में से माइनस करेंगे। तो इसमें एक निकला, 1+8+1 10 हो गया, तो 10 को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 हो गया। तो इसकी जो पहली दशा चलेगी 36 माइनस 1, यानी 35 साल चलेगी, वो 9 नंबर की चलेगी। अब जो इसकी सेकंड दशा चलेगी वो 35 साल के बाद 9 साल और जोड़ देंगे, 44 ईयर्स तक, वो नंबर 2 की चलेगी, क्योंकि हमारा सेकंड पाइनेकल नंबर 2 आया था। तीसरी जो दशा चलेगी वो 44+9 53 ईयर्स तक चलेगी, वो भी 2 नंबर चलेगी, क्योंकि 2 नंबर हमारा थर्ड पाइनेकल नंबर आया था। फोर्थ हमारी जो दशा चलेगी 53 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 53 के बाद एक ही दशा चलेगी लास्ट पाइनेकल नंबर की, वो हमारी 9 नंबर की, वो 9 नंबर की आ गई। अब अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस पाइनेकल, मतलब दो दशा एक में अगर पाइनेकल नंबर क्या है, क्या आया दशा दो में, क्या आया दशा तीन में, क्या आया और दशा चार में क्या आया, जैसे हमारा 9 नंबर आया है यहाँ पर, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा लाइफ में, किस किस स्टेज में कौन सा नंबर एक्टिवेट हो रहा है, उसके क्या रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं। थैंक्स फ्रेंड, ये वीडियो आज का मेरा थोड़ा अधूरा इसलिए है कि मैं आपको जब तक इसकी केस स्टडी नहीं समझाऊंगा आपकी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं केस स्टडी लेके आऊँगा कि किस तरह से एक्टिवेट होती है। थैंक्स फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स अगेन।